जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। इस वीडियो में हम आपकी राशि के लिए बात करने वाले हैं कि यह बातें आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें जो हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात, शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेयर मैं कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों, पति पत्नी के मध्य जो भी गोपनीय रहस्यमय बातें होती है या जो भी दोनों के बीच बातें होती है, वो बातें तीसरे व्यक्ति को ना तो पत्नी द्वारा और न ही पति द्वारा कभी किसी अन्य व्यक्ति को शेयर करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाकर गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर रिश्तों में दरार के जो आजकल केस या यूं कहूँ कि आजकल बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ा इशू खड़ा कर देती है। तो पहली बात है, पति पत्नी के बीच जो भी बात हो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि दोस्तों, कुछ रहस्यमय बातें होती है पारिवारिक, जो हम तक ही सीमित होना चाहिए, अन्य व्यक्ति उससे हमारा हमेशा फ़ायदा ले सकता है। पति पत्नियों के मध्य एक अलग बातें होती है और हमारे व्यक्तिगत रहस्य, वो भी चाहे आप शराब के नशे में हो या कोई अन्य नशे में हो, चाह कर भी उन चीज़ों को बाहर न निकालें और न किसी को बताएं, नहीं तो वो आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। ये बहुत बार ये चीज़ें आप देखिएगी। तीसरा रहस्य है, जो तीसरी बात है, वो कभी नहीं शेयर किसी से करना चाहिए कि आप कितना कितना धन आपके पास है। ये बात भी किसी व्यक्ति को आपके द्वारा नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास इतना धन है या ये है वो है XYZ। जहाँ पर एक प्रोफेशनली तरीके के आप CA के पास जाएंगे, उन्हें तो बताना ही पड़ेगा कि हमारे पास ये धन है या ये है, वो एक कॉन्फिडेंशियल वर्क हो जाएगा और एक प्रोफेशनल हो जाएगा। लेकिन एक किसी अन्य व्यक्ति विशेष को या कोई भी पारिवारिक दायरे में से लोग, जिन्हें खुलकर जो लोग धन प्रेषित कर देते हैं, दिखावटी करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। धन जो भी हो आपके पास, उसे आप तक ही सीमित रखें। लोगों के लिए मदद जरूर करें, लेकिन कितना है, एक जो आंकड़ा होता है, काउंटिंग जो उसकी होती है, वो ना करे, खुद भी ना करे और किसी को काउंट करके बतलाए भी नहीं। कई बार धन को बताने से जो लोग हैं भावुक रूप से आपके पास आएंगे, बड़े भावुक होकर, और आपसे पैसे ऐंठ कर चले जाएंगे या आपके साथ और अन्य घटनाओं की संभावनाएं जो आमतौर पर होती है। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल सावधानी से रखें। चौथी बात है ये, कभी भी दोस्तों अपने घर के जो रहस्य हैं, रहस्य से मेरा मतलब है घर की कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी घटनाक्रम होती है जो हमारे वर्तमान को तकलीफ में ला सकती है, उन बातों को भी हमें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उन बातों को रखना, हमेशा बचा के रखना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ये जो बातें हैं, इन बातों को वास्तव में ये कई बार तकलीफ खड़ी कर जाती है, कई बार परेशानियों की बहुत बड़ी वजह होती है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि भावनाओं में बहकर कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं, विश्वास के साथ लिए जाते हैं। आप बहुत भावुक हैं, सरल है, सहज हैं, कई बार लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इन चीज़ों से भी आपको सुरक्षित और बचना होगा, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। ओम नमः शिवाय लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, श्री गणेश लिखें, जो भी देवताओं में आपका विश्वास हो, यकीन हो, उनका नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।